तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल टीम एग्जाम में। गाइस, आज हम ऐप में जो कि टेस्ट सर्कल का चल रहा था, एरिया ऑफ सर्कल चल रहा था, एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल, इसका टेस्ट लिए हुए थे। मतलब टेस्ट वन है ना, टेस्ट वन जो है बहुत लोगों ने दिया है और उसका आंसर किसी को मिला किसी को नहीं, इसी का सॉल्यूशन बताएंगे। ये किसके लिए है? तो झारखंड, झारखंड एनम और जेएनएम, नर्सिंग के जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रांची, रिम्स, धनबाद, जमशेदपुर, ये सब में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एएनएम जेएनएम के किसी भी कॉलेज में 2024 के लिए, तो हम तैयारी करवा रहे हैं। और लगभग यहाँ पे 100+ स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8580393036 में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, टीएम एग्जाम, टीएम एग्जाम ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस जितने भी गाइडेंस होंगे वो देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्लस जो भी एनालिटिक्स प्रीवियस ईयर से जितने भी आए हैं, जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं हमारे तरफ से, और अगले साल को भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे परिवार से जो है कोई और जाए। तो जिसको भी करना है तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि सीट कम है और आपके पास जब सामने एग्जाम आएगा तब अगर आप सोचोगे तैयारी करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। तो आज जो है जो लोग पढ़ रहे हैं उसी को, मतलब इसलिए ये वीडियो बन रहा है क्योंकि आज लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, इस वजह से ये रिकॉर्ड करके उनको देना पड़ रहा है उनका सॉल्यूशन। तो अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार क्लास करना, हमसे ज्वाइन होना, तो देखिए कैसे क्लास होता है, ये आपके तौर में एक डेमो के रूप में साबित हो सकता है। तो अगर पसंद आए तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन रेट हाई है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन था, कुछ टीएम एग्जाम ऐप क्वेश्चन कोड था, जो ये ऐप का क्वेश्चन कोड है वो 01 नंबर, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना है इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास मतलब कोई वृत्त है और वृत्त का व्यास निकाल। देखो यहाँ डिटेल पे नहीं समझाएंगे क्योंकि डिटेल हम पहले ही पार्ट वन में, वीडियो पार्ट वन में हम लाइव क्लास वालों को समझा चुके हैं, और आप लोग भी नहीं चाहेंगे जो देख रहे हैं फ्री वाले, नहीं चाहेंगे आपका टाइम वेस्ट हो, तो आप लोग ये सब जानते होंगे तभी आप यूट्यूब में देख रहे हैं। अगर बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप, ठीक है। ये क्या है? ये रेडियस होता है यानी कि त्रिज्या होता है। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार, है ना। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर का मान देकर रखा है 616। देखिए पाई का मान क्या बोला है, 22/7 रखो, तो 22/7 रखते हैं, यहाँ पे आर का स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे 616 होता है, इससे काटेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 11, देखिए काटे यहाँ पे 308 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, हाँ कर जाएगा 2 और 8 यानी 28, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो रूट अंडर हो जाएगा, और ये 7 को बस 7 लिखेंगे और 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 7, है ना। और इसको देखिए 7 एक बाहर आ जाएगा, 2 दुनी 2 एक बाहर आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आर का मान जो है देखिए गौर से 14 हो जाएगा, निकालिए आप समझ जाएंगे ये 14 हो जाएगा। तो आपको बोला क्या जी, इसका व्यास निकालो, है ना, इसका व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो रहा है डी बराबर क्या हो जाएगा 2 आर, कहने के क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 गुना 28 यानी कि ओके 28 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया, ये तो एक बेसिक है, लेकिन आज हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे क्योंकि हम ऐप में बोले थे कि कुछ ये सब और सॉल्व करने का आसान तरीका बताते हैं, तो कुछ ट्रिक्स है जो को आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको और जल्दी हो जाए, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन फास्ट है ना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये जो है थोड़ा बेसिक सा, ट्रिक नहीं बोल सकते, बस कुछ चीजें याद रखना, इसको ट्रिक नहीं बोल सकते, बेसिक चीजें हैं। अब आप बोलोगे ट्रिक है क्या, ये नहीं ट्रिक नहीं है, ट्रिक क्यों फालतू का याद करोगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो हम मानते हैं रेडियस, एक तरफ लिखते हैं रेडियस, ये आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, और एक लेते हैं सी एफ, सी एफ मतलब सरकमफेरेंस या फिर बोलते हैं परिधि, हिंदी में भी लिख देंगे, और एक तरफ लिखते हैं एरिया, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, बाबू लोग हिंदी मीडियम, ये देखो क्षेत्रफल यार, ये वाला परिधि, परिधि ध्यान से देखो, और एक इधर क्या है जी, इधर क्या है त्रिज्या, हाँ ये त्रिज्या, ये इसका मतलब त्रिज्या होता है, ये तीन चीज। अब मैं एक एग्जांपल बेसिक सा लूंगा उससे आपको समझना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, इसको मानते हम 7 है ना, तो जब ये 7 होगा तो देखो 7 होगा तो बेसिक देखो, जब ये रेडियस 7 होगा तो मैं यहाँ पे ये वाला रफ करके आपको मैं दर्शाता हूँ, रफ करता हूँ इधर, है ना, ऐसा ये वाला इसका पार्ट नहीं है, रफ करके दिखाता हूँ। तो जब 7 होगा तो हम इसका अगर परिधि निकाले कोई वृत्त का तो क्या होगा बाबू,
पाई आर, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। चलो हम 2 × 22 बटा 7 लिखते हैं और आर का मान कितना देगा 7, ये 7 7 कटा, कहीं कहीं ये 44 आया। तो जब रेडियस 7 रहेगा तो ये 44 होगा, ये हमने जाना। अब यदि यही क्षेत्रफल निकालने बोलता बाबू, 7 रेडियस तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 और पाई आर स्क्वायर आर, यानी कि 7 × 7, इसको काटे इसको काटे तो 7 × 154 154 हो जाएगा। कहीं कहीं एरिया क्या होता है 154। ये एक बेसिक क्वेश्चन हुआ कि अगर रेडियस 7 हो तो सीएफ यानी कि परिधि या सरकमफेरेंस कितना होगा 44 और क्षेत्रफल कितना होगा 154। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब बस ये 7 के गुणज यानी मल्टीपल्स में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है इसको मिटा दे रहे, इसका कुछ काम नहीं है, ये तो आपको दिखाने के लिए था, नहीं तो आप बोलेंगे कहां से ये सब रटवा रहे हैं सर। ठीक है चलो ये तो हो गया, अब देखो गौर से थोड़ा सा यहां से देखो, ये 7 हो गया। अब 7 के मल्टीपल में काम करेंगे तो लिखेंगे 7 का कोई कोफिशियंट डाल देंगे, मान लो एक्स 7 का, तो ये क्या हो जाएगा 44 एक्स हो जाएगा, ये 154 का एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में वो चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। अब मान लो अब तुम किसी चीज का भी निकाल देगा, देखो ये चुटकियों में निकाल देगा, बस इतना याद रखो, अगर हम मानते हैं लेट 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 रेडियस कितना दिया हुआ 14, तो बताओ एरिया क्या होगा, तुम लिखेगा पाई आर स्क्वायर लेंथ इतना लिखेगा, और हम क्या लिखेंगे इसको 7 के गुणजों में तोड़ेंगे, जैसे कि ये 14 है तो 14 को लिखेंगे देखो 7 × 2। अब ये 7 तो 7 हुआ, ये एक्स का मान देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो बस एक्स का कोफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ पे एक्स है तो बस एक्स से गुना करेंगे, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो एक्स का मान तो हम निकाल लिया कितना 2, तो देखो अब तुरंत निकल जाएगा 44 से 2 गुना, तो यहाँ कितना हो गया, जब 14 होगा तो इसका 88 हो जाएगा क्या परिधि, डायरेक्ट परिधि सरकमफेरेंस डायरेक्ट 88 निकल गया। अब एग्जांपल में देखिएगा कितना फास्ट कर देंगे इससे, नहीं तो आप बेसिक का बनाओगे तो टाइम आपका जाएगा। देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम का मतलब क्या होता है, टाइम को बचाओ, टाइम बचाना सीखो आप, तो टाइम बचेगा जब आप कुछ चीजें करके जाएंगे हाँ, तभी आपका टाइम बचेगा, नहीं बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दे दिया और आप कैलकुलेशन करते 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 एक क्वेश्चन बनाने में आपको 10 मिनट लग गया, तो बाकी भी क्वेश्चन बनाना है यार, समझ रहे हो ना। ठीक, अब ये एक्स का कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 154 × 4, तो 154 × 4 = 36, देखो 154 × 4 कितना होता है 616 होता है ना। तो बस ये डेटा याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो रेडियस का मान, मान लो देखो अगर हम बोल रहे हैं कि आर का मान अगर 7/2 है बाबू, तब इसको कैसे निकालेंगे सर, देखो 7 लिखेंगे और कोफिशिएंट में क्या करेंगे 1/2, तो एक्स का मान तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1/2, समझ रहे हो। तो अब देखो 1/2, तो अगर 1/2 ये कितना है देखो 44 एक्स है ना, तो 1/2 करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 22 हो जाएगा, जब 7/2 उसका रेडियस होगा त्रिज्या होगा है ना, तो ये इतना हो जाएगा। अब सर इतना तो इसका स्क्वायर करेंगे देखो तो 154 × 1 = 4, अब इसको काटेंगे बाबू तो काटो देखो काटो 2 से कटेगा 2, ऐसे कटेगा कितना 7 और 2 यानी 72, इसमें कितना हो जाएगा आधा काटो तो ये आधा काटेगा 35, देखो काटो 72 होता है बाबू, रुको रुको 7 हो जाएगा 7 7, ये 7 7 हो जाएगा, गलत होता है 2 से भागा देंगे तो 38.5 आ रहा, देखो तो कहने के ये डायरेक्ट 38.5, देखो कितना जल्दी निकल रहा एरिया है ना। तो अगर आपको इस प्रकार एक सिक्वेंस अगर मिल जाए रेडियस का कॉन्कलेस, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि इस प्रकार जो होता है, ये सिक्वेंस आप नोट कर लीजिएगा, VBI ये सिक्वेंस है, ये सब सिक्वेंस का भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे और इसका काम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इस काम को हम प्रॉफिट में लाएंगे और कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे और कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं। अब देखो तुम लोग ये चीज डेटा याद हो गया है, अब देखो जब ये इतना होगा तो तुम मुझे मारेगा 14 होगा है ना। अब देखो गौर से बाबू यहाँ से इसी क्वेश्चन के बारे में फिर से अपने तरीका से बनाते, ये तो बेसिक तरीका था, अपने तरीका से देखते हैं ना। देखो अब यहाँ दिया 636, कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाबू ये 636, तो अभी हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है तो डायरेक्ट ये इसका रेडियस 14 डायरेक्ट, क्योंकि इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, इतना याद कर ले तो देखिए अभी हम ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ये तो घर से हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, तो घर से प्रैक्टिस, अब 606 आ गया एरिया, तो जब 606 रहता एरिया तो पता है कितना होता है रेडियस 14 होता है, इसलिए डायरेक्ट 14। अब बोला इसका डायमीटर निकालो व्यास निकालो, तो D = 28 डायरेक्ट आंसर, उतना कुछ आपको करना नहीं है, घर में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गए बस।
बस वो चार चीज याद रखिएगा, देखिए आपको कैसा काम। पहला क्वेश्चन देखिए, वो अगर टेबल टू याद रखें, ये जो टेबल आपको बताएं, ये वाला पूरा टेबल, इस टेबल से देखिए 606 आता है, और इसी टेबल के आधार पर हम मार दिए कितना 14 उसका रेडियस, और इसका डायमीटर बोला है, इसका व्यास बोला है, तो 28 आंसर हो गया, तुरंत मार दिए, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़े आपको। आप सोच रहे कैलकुलेशन, नहीं तो आप कैलकुलेशन करो टाइम जाएगा, हम चाहते हैं कि आप टाइम बचाओ और आप एक सीट को ले लो, बस यही मेरा एग्जाम देने। इसी प्रकार का ट्रिक से 2023 के बैच को पढ़ाए थे, और 23 के बैच में बहुत ज्यादा सिलेक्शन मिला है, और उससे हमको भी खुशी मिला है, और इसीलिए आपको भी खुशी मिलेगी जब आप हमारे साथ रहोगे, है ना। क्योंकि आज इंटरनेट खराब हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाया ऐप में, इसलिए ये वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, उस वृत्त का पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई इतना दिया हुआ है, समझो। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ विच इज बिल अराउंड ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस देकर रखा, देखो सीएम है ना 44, मतलब कहीं ना कहीं कर दे रहे हैं अभी, देखिएगा। हुज विड्थ इज 7, बेसिक से देखिए और आप ट्रिक से देखिए, है ना। सबसे पहले तो ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे और बेसिक से बनाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा कौन हार्ड है। तो एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इतना दिया हुआ है, चलो एक वृत्त है मान लो, सपोज दैट वृत्त मान लो, इसका पूरा परिधि देख रखा एक चक्र घूम के, यानी कि कहीं कहीं 2πr देख रखा, देखो 2πr का मान देख रखा कितना जी 440, ये बेसिक हुआ है ना 440 हुआ। तो अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, बहुत झमेला है, देखो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 222, फिर यहाँ पर करें 22/7 और ये r की है, तो क्या हो जाएगा 222, ये 22/22 करता तो 10 हो जाएगा, तो r का मान करेंगे कितना हो गया 70 हो गया, चलो भाई r का मान 70 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। तो r का मान कहने कहीं कितना हो गया 70 हो गया, है ना 70, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। अब हो रहा है परदीप के वृत्त है और चारों ओर बनाया गया और जिसकी चौड़ाई, और एक जो है वह एक और वृत्त बनाया जाता है और उसका चौड़ाई कितना 7 है, मतलब यहाँ से मान लो 7 है चौड़ाई और यहाँ से एक और वृत्त बनाया जाता है, बना देते हैं और वृत्त, चलो देखो देखो, और इस प्रकार वृत्त बनाया गया है ना जिसका चौड़ाई 7 है, देखो इस प्रकार एक और वृत्त बनाया गया, इस प्रकार एक और वृत्त बनाया गया जिसका चौड़ाई 7 है, तो अगर यहाँ से बाबू यहाँ तक निकालेगा 7 और इधर कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा 77, तो क्या निकालने बोला रे चौड़ाई इतना इतना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो बस उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हाँ चौड़ाई इतना इतना है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, पथ का मतलब ये वृत्ताकार पथ है, इसका क्षेत्रफल बोला कि आपको निकाल के दिखाओ क्या होगा, ये वृत्ताकार पथ है इसका आप क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ क्या होगा। तो आसान है, आसान है, इस बड़े से घटा देंगे छोटा को, है ना, ये बड़ा सा है ये घटा देंगे छोटा। अब देखो, अब आप सोच रहे इसको कैसे बनाएंगे सब ट्रिक से, देखो कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट 7 मानते हैं, देखो ये 70 दिया हुआ ना बाबू, देखो R उसके बाद क्या CF, देखो ट्रिक है ना, तेरी ट्रिक कितना जल्दी करेगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो मरो। उसके बाद क्या रे बाबू, हाँ उसके बाद एरिया, हमको एरिया चाहिए, तो देखो बाबू इसका एरिया और इसका एरिया पता चल जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, अगर बड़ा एरिया से छोटा एरिया को घटा देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो पहले छोटा कर दे, ये 70 है ना बाबू, इसलिए 7×10 लिख सकते हैं, है ना, 7×10 होगा कि नहीं, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है उसका गुणज करिएगा आप, तो ये 77 है, इसको 7×11 कर सकते हैं कि नहीं, यस कर सकते हैं, तो सर्कमफेरेंस कितना था 44, तो 44 में कितना जोड़ देंगे बाबू 440, तो ये तो कुछ काम ही नहीं, तो इसको हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका तो काम ही नहीं, हमको निकालना ये है, तो ये 154×10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, है ना, और ये 11 का स्क्वायर यानी कि 121, यानी 154×121, है ना, ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे काम खत्म, तो बड़ा ये है तो इससे कटेंगे, तो देखो 154 है ना और 121 है ना, ये 121 है ठीक है, गुना 121, देखो हम कर रहे हैं इसलिए लग रहा है थोड़ा सा, 154 गुना कितना 100, बाबू 154 कॉमन ले लो ना बाबू, फोटो देख रहा ना, हटा देते रुको, हैं फोटो आगे दे, हाँ ना 154 कॉमन ले लेते हैं ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 माइनस 100, अब कुछ नहीं 154 गुना
ये घटेगा तो 21 हो जाएगा। बस बाबू बस, यही हुआ आंसर हमारा, यही तो आंसर है बाबू, यही तो आंसर है। गुना कर दो तो गुना करके कितना हो जाएगा भाई, तुम देखो कोशिश करके ट्राई करके देखो, ये इतना हो जाएगा है ना, 32 34। देखो इसका आंसर ला देते हैं, गुना करके 154 को गुना करेगा आप 21 से, तो गुना करो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। और ये कर देंगे 4 × 8 ठीक है, और ये 10 फिर हाथ में एक, ये 2 और एक 3, ये 4, ये 8 × 13, ये 1 इधर चलेगा 2 और ये 3, यानी 32 34। अब देखो 32 34, देखो 32 34 है ये वाला ऑप्शन बी, ये आ गया 32 34 है ना, ये आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आपको व्हाट्सएप में फिर से सॉल्यूशन दे दिया जाएगा है ना। चल नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एक 28 मीटर व्यास वाले एक अधिवृत्त, अधिवृत्त माने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माने कि ये वाला, ये होता है अर्धवृत्त, ये होता है आधा वृत्त है ना, इसका बोल रहा है परिमाप। क्योंकि देखिए देखिए आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन में डाउट भी हो रहा है ना, देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकल है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब देखो आपको कैसे पकड़ना पड़ेगा है ना। आप यहाँ भूल भी नहीं किया है कि क्या निकालो, यहाँ पे फंस जाओगे आप, क्या निकालोगे समझ नहीं आ रहा, तो आप ऑप्शन भी देखो यहाँ सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं परिधि निकालने का बात कर रहा है, परिधि तो परिधि देखो एक अर्धवृत्त बनाते हैं, सबसे पहले सेमी सर्कल बनेगा क्या बन जाएगा देखो, अमोनी हेलो মানে বেনাও না খাবার আসছি তুমি খালি এল পড়ানি আসছে এলব খালি হ্যাঁ তোমার খাই নিছো নাকি তো এখানে এলব যাবে তো পৌঁছা নিয়ে চলে যাবে এখানে খুলে দেবো এখানে খাই নেব ঠিক আছে হুয়া হ্যাঁ না। तो 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास 28 दिया हुआ, मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये 28 देख रखा है, ये वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में ये वाला होता है अपना क्या जी, ये वाला होता है अपना अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त का क्या होता है जी, मतलब वृत्त का होता है 2πr है ना। तो देखो ये परिधि मतलब क्या होता है, पता परिधि मतलब ये पूरा यहां से लेके ये बिंदु अगर ए है तो ये यहां से लेके बी में जाएगा, फिर ये घूम के एक चक्कर आएगा इसी ए में, तो वो होता है परिधि। तो 2πr, तो ये अर्धवृत्त है तो 2 से भागा दे देंगे, प्लस ये पूरा ए बी का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा है ना, ये ए बी का जो भी डिस्टेंस ऐड हो जाएगा है ना। अगर ये नहीं दिया रहता तो 7 7 करके, 7 नहीं है 14 है भाई ऐसे ना, ये 14 होगा, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिए, ये 14 होगा ना, ये 7 नहीं होगा 14 होगा, इसका आधा तो 14 होता है ना, 7 क्यों लिखे हैं, अभी तो कट गया। पाई का मान कितना था बाबू, 22/7, और आर का मान देकर रखा 14, प्लस ए बी का मान देकर रखा 28, इसको काटेंगे तो दुनी हो जाएगा, ये 44 + 28 जोड़ेंगे 2 और 6 7, यानी कि 72, ये 72 है ना, देखिए आपके सामने है, ये बेसिक है आपके सामने ठीक है। नेक्स्ट, ये बोले एक नया आइटम आया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कोड 4 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, देखिएगा मीटर स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार स्क्वायर में होगा। देखिए एक फॉर्मूला पता है, जब बढ़ता है या घटता है तो 5% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2x जो भी इंक्रीजमेंट हुआ प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, ये परसेंटेज में आपको निकलता है, जो भी परसेंटेज आता है यही होता है। तो 2 तो 2 × 5 + x यानी 25 और 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 10.25, एक ट्रिक होता है, ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट ये बन गया, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके लिए काम में आया, ये इस प्रकार होगा। इसको हम लोग नोट करते हैं, देखिए एक चीज नोट कर लीजिए यहाँ पे आप लोग, जब किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो देखिए त्रिज्या r + r + r² / 100, इसको करते हैं, ये 2r हो जाएगा प्लस r² / 100, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रख लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर पूछता है तो आसान है। अगर कमी होगा बाबू, अगर कमी होगा बाबू तो
तो यहाँ पे ये दोनों के पास ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कमी होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। अरे माइनस माइनस जीरो हो जाता है, और माइनस यहाँ पे लिख देना है, और ये आर स्क्वायर डायरेक्ट ये, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा माइनस में। और माइनस और पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एरिया है ना, उसमें रहेगा डिक्रीज इन एरिया वही रहेगा। ये देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाई की लंबाई 7 है और 24 है, तो ये एक ट्रिपलेट है जो कि एक समकोण त्रिभुज में लाई करता है। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं सबसे पहले, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक भुजा होता है, हम लोग देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये 25 होगा है ना, ये 24 होगा, या इसको 24 माने कोई दिक्कत नहीं, इसको 7 मान, है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसको क्या बोला है जी, अंत वृत्त की एक त्रिज्या निकाले, तो इसके भीतर एक वृत्त है, इसके भीतर एक वृत्त है, देखो पता नहीं ना, और थोड़ा सत्ता लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ सट गया सट गया सट गया, रे बाबा अब सट गया, रे बाबा है ना। तो यहां से लेके ये त्रिज्या बड़ा निकालना है, ये त्रिज्या निकालना है, ये होता है त्रिज्या, यही त्रिज्या अंधवृत्त की त्रिज्या निकाली, तो ये त्रिज्या निकालना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये होता है, देखो हम लोग पढ़ाए हैं त्रिकोणमित्री है ना, ऐप वाले जितने भी स्टूडेंट है त्रिकोणमित्री पढ़ाए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बस कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है और दो से भगा देना है, तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। देखो P प्लस एच, नहीं नहीं एच नहीं होगा, B होगा, P प्लस बी माइनस एच बटा टू, ये त्रिज्या हमारा निकल गया, ठीक है। तो P का मान कितना दिया हुआ 7, प्लस B दिया हुआ 24, और माइनस एच 25। ये कर लीजिएगा दो, ये सब नया नया चीज है, ये सब हर जगह नहीं मिलता है ना, ये सब नया नया चीज है। तो 24 ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 25 बटा 2, ये हो जाएगा 6 बटा 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर। ये एक नया चीज है जो नोट करने लायक चीज है आपके लिए, है ना, आप नोट कर लोगे। आपने बहुत त्रिज्या फिज्या निकाल के देखा है, लेकिन ये चीज नोट कर लोगे जो कि आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक। और देखो नेक्स्ट, ये तो 5 तक हुआ, और 5 को बनाएंगे अभी। किसी गोलाकार कक्ष में फर्श लगाने की लागत 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है, पाओ, ये तो क्वेश्चन बड़ी दुर्दांत है। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपए प्रति मीटर की दर से है, मतलब कहने के हमको निकालना है परिधि, तो काम हो जाएगा, परिधि के हिसाब से इसको लगाना है फर्श में, फर्श लगाना, परिधि निकालना है उसका कितना लंबा हो रहा है। और यहाँ पे 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से है ना, गोलाकार कक्ष में। चलो भाई देखते हैं क्या चीज है वाला, ये गोलाकार ये है, पैसा दिया है। एक वर्ग मीटर का कितना लगता है भैया, एक वर्ग मीटर का गौर से देखो, एक वर्ग मीटर का 10 रुपया लगता है, और कितना टोटल पैसा लग रहा है, इतना। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा इसका बाबू, इसका एरिया हो जाएगा क्या, 1540 से भागा दे देंगे 10 को, तो ये हो जाएगा एरिया। अभी देखो तुम लोग को समझ में आ जाएगा 154 एरिया। तो तू खुद से बता मेरे भाई रेडियस कितना, तू क्या कैलकुलेशन करने जाएगा, एरिया अगर मिल गया तो, एरिया अगर मिल गया तो कैलकुलेशन करने जाएगा, नहीं ना। तो 154 का पता है, जब रेडियस 7 रहता है तो कहीं ना कहीं इसका रेडियस 7 होगा। अभी ट्रिक बताए हैं, याद करो आर सी एफ और एरिया, जब 154 होगा तो ये भैया 44 होगा, ये भैया 7 होगा, अभी हमने पढ़ के रखा है ना। तो कहने के 7 हो गया। अब बोल रहा भाई इसका परिधि निकालो, हमने 6 से गुना, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और 6 रुपया करके, तो 6 रुपया से गुना कर दो, हो गया तो 2 गुना 22 बटा 7, और परिधि दिया 7 और गुना 6 कटा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 22 132 और 264 हो गया, 264 कितना जल्दी जल्दी हो रहा है क्वेश्चन को। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो ये वाला, बाकी सब कुछ सब समझ गए होंगे, खाली ये वाला हम क्या किए, देखो ये वाला क्या किए, एरिया कैसे निकाले, देखो बाबू
₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से ले रहा है तो 1540 रुपया उसको लग रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि एरिया के साथ गुना किया हुआ ये ₹10। अगर एरिया अगर 154 होता बाबू और 1 मीटर का ₹10 लेता तो हम 10 से गुना करते हैं, तो देखो ₹1540 हो रहा ना, तो क्या किया हम इसको इससे भागा दे दिए तो एरिया निकल गया, जस्ट उसको उल्टा कर दिए। क्वेश्चन में देखिए कितना घुमाया है। द कॉस्ट ऑफ लाइंग कॉन्क्रीट फ्लोर इन ए सर्कुलर रूम इज 1540 एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का कितना है ₹10 दाम और 1500 स्क्वायर मीटर पूरा पैसा लग रहा है। तो एरिया उस चादर का कितनी थी, वो कॉन्क्रीट फ्लोर का कितना था, तो 10 से भगा दे दिए। मान लो अगर एरिया 154 निकलता तो 10 से गुना करते तो तब ना 1540 होता, तो अब एरिया निकालना उल्टा यहाँ पे, तो 10 से भगा दे दिए तो एरिया निकल गया 154। यहीं पे आप लोगों का दिमाग में खटका होगा 154 कहाँ से ला दिए सर, तो यही किए कि 10 से भगा दे दिए उसका एरिया निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दम है, इतना बड़ी आसान क्वेश्चन नहीं है सर, है ना। अब ये वाला एक आसान क्वेश्चन टीएम एग्जाम, ये ऐप में टीएम एग्जाम ऐप है ना, इसी में ये क्वेश्चन सब था, तो इसी क्वेश्चन का है। ये सब क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, ये सब क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ए बी सी डी एक वृत्त है, त्रिज्या आर है, मैं अंकित एक चतुर्भुज है। लो बाबा सबसे पहले तो एक वृत्त बना देते हैं, लो ये वृत्त बना, ठीक है। अब उसके अंदर बोला एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज को देखो किधर खोजो, देखो कोई भी चतुर्भुज खोजो ना भाई, इसी को खोजो ना भाई, हाँ खोजो ना, कोई दिक्कत नहीं है, खोजो, ठीक है खोज लो। सट कहाँ रहा है रे, हाँ इस पर सटेगा ना, टेढ़ा हो जाए त्रिभुज यार, तो साफ जाता है, सटे नहीं रहा, इसको देखो थोड़ा जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है, नहीं सर रहा बक, इसको नहीं लेंगे सर, चतुर्भुज लेंगे, वो चतुर्भुज हम कुछ भी बना लेंगे, चतुर्भुज किसी पर, हाँ बन गया बन गया, बस किसी पर चतुर्भुज बना देंगे, हमको क्या जा रहा है, हाँ ठीक है चलो। ये अंदर में चतुर्भुज है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, है ना, और ये है कहीं कहीं कुछ नहीं, मिडिल है। ए बी सी डी एक वृत्त, मतलब इसका आर है त्रिज्या, ये देखो ये आर है, मैं अंकित एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, डी ए बी कहाँ रहे, डी ए बी, अच्छा डी ए बी, और बी सी डी के कोनों को समद्विभाजित करता है, अच्छा माने कोण ए और कोण सी, मतलब ये कोण और ये कोण को समद्विभाजित, मैंने आधा आधा में काटता है ना, आधा आधा समद्विभाजित मतलब आधा आधा में काटता है, तो देखते हैं आधा में कट दे रहा है, यहां से कर रहे हैं तो आधा में कट रहे, चलो ऐसा ये इतना दूर बोल कर रखा, समद्विभाजी, समद्विभाजी मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, मतलब आधा आधा कोण में काट रहा है, और बोल के रखा है कि वृत्त का ये जो त्रिज्या है आप जानते होंगे त्रिज्या बाबू, यहां से यहां तक क्या होता है, तो बोला कि ये अगर मान लो ये अगर x होता बाबू और ये अगर y रेखा होता, ये जो रेखा आपको दिख रहा है a से लेके c तक, ये जो रेखा अगर x y होता है वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो मान लो यहाँ पे ये x रेखा हो गया और ये y रेखा हो गया, मान लो सपोज तो बोला सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई क्या है, तो बाबू ये देखो यहाँ से वृत्त को टच कर रहा था, ये इसका केंद्र है, तो ये r हो गया, और यहाँ से y से लेके यहाँ तक देखो बिंदु, ये भी r होगा, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r, तो डायरेक्ट 2r आंसर, कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन हार्ड लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि का ही बताऊं मैं, अरे इतना कॉन्सेप्ट घुसा दे यार क्वेश्चन को दे दिया है, लीजिए ये क्वेश्चन। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब इन ए सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, बाहर नहीं करेंगे, मतलब सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है ना। द एंगल बाइसेक्टर्स डी ए बी एंड बी सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, है ना, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन क्या है, तो बस निकल गया हमारा वैल्यू, ये आर है ना, तो सब प्रैक्टिस करो, देख लेना क्वेश्चन को, दो बार देखो, तीन बार देखो, समझ जाओगे आसान है। 8 नंबर, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बोला था, परिधि क्या होता है 2πr, उसके व्यास से, तो व्यास क्या होता है, डी होता है, डी माने 2r, 2r प्लस 15 होगा, ये तो बोल के रखा है। देखो किसी एक वृत्त की परिधि, ये परिधि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब वो भाषा में नहीं लिखेंगे, परिधि बराबर, छोटा बच्चा नहीं है, तुरंत आंसर लाना है, समय बचाना है, ठीक है ना,
एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर है बराबर क्या होता है 2R, मतलब व्यास, व्यास मतलब डी बराबर क्या होता है 2R, ये सब जानते होंगे, तो इसलिए डायरेक्ट 2R लिख दें, उससे 15 अधिक है तो 15 अधिक लिखते हैं। अब 2R किधर लिखे बाबू, देखो 22/7 लिखो ना भाई, और ये आर लिखते हैं, माइनस करते हैं 2R, ठीक है, बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 2R को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब कॉमन हो जाएगा बाबू, आर कॉमन ले लो, हाँ ले लो, नहीं तो 2 ले लो ना, 2R कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 15, देखो ना करो, 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 7 मैंने 7, ये एलसीएम हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे गुना है इसका, ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22 − 7 हो जाएगा फिर इधर, तो ये इक्वल टू 15 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2R गुना ये भी 15 हो जाएगा बट्टा 7, आसान है रे, ये 15 ये 15 ये 15 का तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो इधर 7 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 ये ऑप्शन बी, एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, आप लोग खुद कर लोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो कॉपी और पेन उठाओ और थोड़ा कैलकुलेशन करो, तुम खुद ही आंसर लाओ, ठीक है। ये देखो, एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, हाँ त्रिज्या नहीं दिया हुआ, परिधि कर्म से इतना इतना है बाबू, बाबू याद करो, अभी हम बताए हैं, अभी हम बताए हैं, देखो बाबू है ना, देखो यहाँ पे ये टेबल टू है, ये देखो ये टेबल टू में, ये टेबल टू में 22 भी है, ये टेबल टू में 44 भी है ना, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। और देखो 22 से 44 है, तो मैंने दो अंगूठी है, एक अंगूठी ऐसा है ये आंतरिक वाला है और अंगूठी के बाहर वाला है, इस प्रकार है अंगूठी, अंदर वाला ऑब्वियसली छोटा होगा 22 होगा और बाहर वाला ऑब्वियसली 44 होगा, है ना। तो करना क्या है, मोटाई निकालना, तो ये मोटाई कितना अंगूठी का निकालना है, तो अगर इसका त्रिज्या मान लो छोटा आर है और इसका त्रिज्या अगर बड़ा आर है, तो ये बड़ा आर से ये बड़ा आर से घटा देंगे छोटा आर, तो त्रिज्या का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा वो अंगूठी की मोटाई निकल जाएगा, त्रिज्या का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा अंगूठी की मोटाई निकल जाएगा, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो बाबू तुम ही बताओ मेरे यार, जब हम बताए ना, जब बताए देखो क्या बताए, अभी हम देखो आर बोले हैं, सीएफ बोले हैं और एरिया बोले, एरिया नहीं निकलेगी, ठीक है ना। जब 7 रहेगा तो ये 44 होगा, होगा कि नहीं है, और जब 7/2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 22 होगा, है ना, इसको तो लिख भी नहीं कर, ये 38.5 होता है और ये क्या हो जाता है भैया 154, ये तो हमको याद है, तो देखो कहीं ना कहीं ये आ गया, इसका मतलब 3.5 होता है, 7/2 मतलब 3.5, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 7 − 3.5, तो कहने की अंगूठी की मोटाई 3.5 मीटर निकल जाएगा, ये भी तो 3.5 आ गया रस्सी, है ना। देखो ट्रिक से कितना जल्दी हो रहा है, नहीं तो आपको फिर लिखना पड़ता है उसका पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, और फिर उसका डिफरेंस करके निकाल के हमको वैल्यू निकालना पड़ता, तो उतना काय करने जाएंगे, हमारे पास ट्रिक्स है शॉर्ट में, ये तो हमको लिखना पड़ा आपकी वजह से, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखते 7 और यहाँ लिखते −7/2, हम ऐसा लिखते, लेकिन क्या करें आपको समझाना पड़ेगा भाई, ये वाला बात है। द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज 22 and 44 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इज द थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस का रिंग क्या है, ये थिकनेस यही है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, और बस यही 10 क्वेश्चन आप लोग कर लिए इनफ, और बाकी जो है कल देखेंगे, टेस्ट 2 देंगे उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, फिर टेस्ट 3 देंगे उसके में 10 क्वेश्चन रहेगा, ये सब ऐप में चलेंगे, ठीक है ना, ऐप में जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और जो यूट्यूब में फ्री वाले देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, कुछ नहीं है, देखो ये इतना है, इसके बाहरी और चारों पथ बनाया गया है, तो देखो बाहरी तो पथ का बाहरी, बाहरी से बड़ा होगा तो 220 दिया हुआ, बाहरी वाला 220 दिया हुआ, और अंदर वाला कितना दिया 44, ये अंदर वाला जो है ये 44 दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है पथ का क्षेत्रफल, मतलब वही पथ का क्षेत्रफल निकालो, तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला घटा देंगे, तो वही वाला ट्रिक अपनाएंगे और करेंगे हम लोग, है ना, ट्रिक अपनाते हैं, कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप उतना कुछ करें ना, कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देखिए कैसा करेंगे हम, अभी जानते हैं आपको, आपको बता देते हैं भाई फिर से लो, ये और देखो ए, देखो कितना जल्दी हो गया इससे, है ना। पथ, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रम से इतना इतना है, तो ये है परिधि, तो कहने के क्या है, ये 22 तो 22 मतलब हम लिख सकते हैं इतना गुना इतना, ठीक है ना, इतना होगा, एक्स का मान ये दिया हुआ है, चलो ये बाहरी वाला इतना हो गया, ये एक्स का मान था, तो बाबू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 7/2 होता था ना बाबू, या फिर 3.5 होता था ना, 3.5 जब ये होता 7/2 होता था, तो ये एक्स का मान यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये काटेंगे देख 5 हो जाएगा, तो कहने के रेडियस 35 था, तभी यहाँ पे 220 हो रहा है, समझ रहे हो ना, एक्स को किसी ने चेंज कर दें, अब जब 44 होता है तब तो ये 7 होता है, कोई दिक्कत नहीं,
अब एरिया बाबू इसमें कब होता है, अब तुम्हें बताओ, 38.5 होता है ना, 38 से 10.5, यहाँ पे क्या होता है 38.5, तो क्या हो जाएगा, हम पॉइंट जो घटा देंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो मान लो 38.5, ठीक है ना, कहने कहीं ये क्या हो जाएगा, x क्या है, x का मान कितना दिया हुआ भैया, देखो x का मान 10 दिया हुआ है ना, 10 नहीं मान सकते हैं, x का मान कहीं ना कहीं ये देखो 5 दिया हुआ, 5 इसे 5 से गुना करेंगे, देखो 7 5 35, 5 दिया हुआ तो 5, तो 5 5 25, यानी 25 से गुना करेंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, जो भी समथिंग वैल्यू आएगा, 38.5 गुना 5, या फिर इससे ऐसा करेंगे, या फिर आप 7 को लेकर चलेंगे, तब आप यहाँ पे 154 लेके 5 से गुना कर देंगे, गुना करके आसानी से आप निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसानी है। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाते हैं, देखो यहाँ पे, अरे यार ये होगा आर, ये हो गया सी एफ, ये हो गया एरिया, चलो है ना, ये 44 दिया, पहले 44 ही लिखते हैं, पहले 44 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 154 होगा, तो ये 7 हो जाएगा, चलो इतना तो हमें खत्म है, पता है। अब यहाँ पे 220 दिया हुआ, एक में क्या है 220, तो कहीं ना कहीं ये 220 ने हम इसको 44 करते हैं, है ना, इसको 220 लिखते हैं, 220 ने लिखेंगे इसको, 220 को लिखेंगे कितना करेंगे कि ये 44 के मल्टीपल पे आ जाए, कितना करेंगे 44 गुना 5 कर सकते हैं ना, तब हो जाएगा 220, तो ये 44 गुना 220 है ना, तो ये इससे गुना करेंगे 5, देखिए 44 को गुना कीजिएगा तो ये इसके माने 220 आ जाएगा, इसको हम इसका भी लिख सकते हैं 44 गुना 5 लिख सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 7 गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का हमने कोएफिशिएंट बना दिया, तो यहाँ पे 154 लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर जो होता है बाबू, तो 5 का कहीं ना कहीं स्क्वायर हो जाएगा, तो कहीं कहीं इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 25, देखो 25 है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस तो निकल जाएगा ना, वो हमारा क्या बोलता है वो पथ का क्षेत्रफल, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लेकिन बड़ा वाला कितना है ये बोले 154 गुना 25 माइनस 154, अब 154 का कॉमन ले लो, 154 का कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 25 और ये माइनस 1, तो 154 गुना 24, तो गुना कर देना है, काम खत्म हो गया, अब गुना करके देखो कितना हो गया, देखो समझ, 154 का अगर 24 से गुना करेगा, देखो का बेसिक वाला ही गुना करते हैं, 4 4 16 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 16 हाथ में 1, 4 5 20 20 और हाथ में 1, ठीक है ना, 2 रह गया, 4 2 8 हो गया, 10 रह गया, ठीक है, 4 4 16 ठीक है, हाथ में रह गया 1 और 4 5 20 और 1 21 हाथ में रहेगा 2, सॉरी 4 1 4 और 2 6 हो गया, अरे गलत कर दिया तेरे, इतना हो गया, ठीक है इतना हो गया, 6 6 6 और इसे गुना करेंगे, 2 डबल कर देंगे 8, ये 10 10 0, ये 2 2 1 3 हो गया, बस 6 9 6 3, ये देखो 6, ये देखो ये है ना, हाँ ये बोले, इस प्रकार आप लोग चेक कर लो, देखो किसका सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है, और बाकी जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप में संपर्क करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।